हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप लोग समझ रहे कि मैं आज ऑफिस में बैठा हूँ, तो थोड़ा सा मैं फ्री था, तो मैं आपको बता दूँ कि आज का जो वीडियो है हमारा ट्रेनिंग के पर्पस में है। जैसे हम लोग क्लास ट्रेनिंग करते हैं रीगर के लिए, तो रीगर को इसमें क्या क्या हम लोग मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बताते हैं ताकि उसको काम करने में और भी बहुत ज़्यादा इजी हो और वो सेफली काम करने के लिए वो तैयार हो। तो क्योंकि आप जैसे जानते हैं, अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो रीगर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो आपको हर काम के बारे में एक मालूमात होना चाहिए। उसमें ट्रेनिंग में आपको ये बताया जाता है, जैसे हमने पहले बैड प्रैक्टिस में काम किया है तो हम अच्छे तरीके से किस तरीके से करें। बाकी यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इंडिया के अंदर आपने काफ़ी जगह पर देखा है जब हम गल्फ में करते हैं तो वहाँ पर हमें सर्टिफिकेट और कुछ कार्ड वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अभी फ़िलहाल नहीं है। तो साइट पर जो भी रीगर है या खलासी है या सिग्नल मैन है तो हम उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दे देते हैं क्लास में, लेकिन उसके अंदर आवाज़ बहुत कम है, जिसके कारण मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग आईफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आए। लेकिन इसमें हम लोग जो ट्रेनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिखाते हैं वो सिग्नल के बारे में, ये कुछ वीडियो है सिग्नल के बारे में। सिग्नल आपका सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कभी भी। अगर आपका सिग्नल अच्छा नहीं होगा तो आप किरण में काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऑपरेटर आपका सिग्नल नहीं समझेगा तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आप रीगर के अंदर सिग्नल को प्रॉपर सीखें, और जो रिंगिंग लिफ्टिंग में जो हम लोग सीलिंग्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग सही से जानें। जो लिफ्टिंग में हम लोग सीलिंग्स यूज़ करते हैं उसको सही से जानें, और रिगिंग में जो आप रिगिंग काम करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग हिच बांध रहे हैं, वर्टिकल हिच, चोकर हिच, बास्केट हिच, जो तीन टक के हिचेस होते हैं उसको हम जब यूज़ करते हैं तो उसको हमको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अगर हमें नहीं आएगा तो हमें, तो जैसे अभी तीन टाइप का जो सीलिंग है तो तीन टाइप का अलग अलग कैपेसिटी उठाता है। जैसे एक टन है तो वर्टिकल एक टन, चोकर है तो 80% उठाएगा, अगर बास्केट है तो 200% उठाएगा। वो कैसे उठाएगा आपको इन चीज़ों के बारे में देखिए सर, कोई भी उठाने के लिए सर पहले अपना सामान पहले चेक करेंगे, टूल्स खराब है अच्छा है, उसको सही रूप से मानेंगे, उसको ट्राई करेंगे, और क्रेन सिग्नल देने के लिए साथ थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे लोड लेने के लिए सर, और देखेंगे मान मेरा उठा लेवल में है या नहीं है, किस पोजीशन में है, तब इसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पूरा सही रूप से है तब उसको अपन पूरा सिग्नल देंगे। सही है ठीक है। अभी आप सिग्नल पूछिए, आप पूछिए आपका क्या है, आप कौन सा सिग्नल पूछना चाहते, पूछिए बोलो, पूछो क्या पूछना चाहते हैं, उनको बोलो करेंगे, बोलिए आप बैठ के बोलिए, खड़े के बोलिए, बोलिए हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनको बोलिए कौन सा सिग्नल चाहिए आपको, वायर डाउन वायर अप, राइट स्विंग लेफ्ट स्विंग, सब कुछ निकालना है, बाहर करना है, क्या करना है आपको, बाहर निकालने के लिए करना है और अंदर करने के लिए ऐसे करना है, गुड। हाँ आप बोलिए, माल छोटा हो गया, मान लीजिए मान लो मेरा कोई यहाँ खाना है, हम मेरा यहीं घूम रहा है, हैं तो वहाँ कैसे जाएगा, हैंड रहा है चक्रन है, उसको बोलेंगे डाउन मारो थोड़ा, वो डाउन मारेगा ना उसका बूम बढ़ते जाएगा। लेकिन यह है डाउन कब तक मारना है, कब तक मारना है, आपका लोड कैपेसिटी होना चाहिए, नहीं तो किरण पार्टी हो जाएगा। हाँ ये देख के करना है, ऐसा नहीं कि बूम डाउन मारने का आपका हर सब सुनिए ना, ठीक है हम बूम डाउन मांग रहे हैं डाउन, ठीक ना, ताकि जब उसको कब सिटी खत्म हो जाता है तो ऑपरेटर हाथ हिला देता है, नहीं कोई कोई नहीं हिलाता है, ऐसा थोड़े है कोई ऑपरेटर देखता है, ऑपरेटर पकड़ा गया ना, उसी के लिए पकड़ा गया, तो बोल देता है नहीं अब नहीं मारूंगा, वो ऑपरेटर से पकड़ा गया, चार बार करता होगा तो
ठीक है ये अभी जैसा सिग्नल दिया सब बराबर है अभी मैं सबसे पहले बोलता हूँ सिग्नल देखो सिग्नल हम लोगों को प्रॉपर सिग्नल चाहिए और जो हम लोगों का जो गलतियाँ है उसको सुधारना चाहिए परफेक्ट सिग्नल कोई भी परफेक्ट देने का कोशिश करो कभी भी सिग्नल आप दे रहे हो ना उसको सही से देने का क्या करना है कोशिश करना है सीखना है सीखना अभी आप फॉर एग्जांपल एक किरण में कितना हुक होता है एक किरण का हुक कितना होता है दो होता है तो आपको एक हुक यूज करना है उसके लिए क्या इशारा करोगे और देखिए सर छोटा के लिए सर हाँ छोटा के लिए छोटा के लिए सर ऐसा करेगा ठीक है अभी मैं आपको बता रहा हूँ देखो सिग्नल कभी भी देने से पहले आपको हुक को देखना ज़्यादा जरूरी है क्यों दो हुक है दोनों हुक का अलग अलग परफॉर्मेंस है एक 20 टन उठा सकता है दूसरा 4 टन उठा सकता है जिसका क्योंकि छोटा हुक का 4 टन 3 टन भी होता है तो आपका मटेरियल कैसा वैसा हुक हमको लेना है ठीक है तो सबसे पहला हुक का इशारा क्या है अगर छोटा है तो हम लोगों को ऐसा करना है ऐसा छोटा के लिए जो छोटा हुक टंगा रहता है उसके लिए ऐसा उसको ऐसा करके वायर डाउन करना है क्लियरली हम लोगों को ऐसा भी नहीं करना है ना ऐसा करना है ना हाथ का कोई डायरेक्शन ऐसा घुमाना है नहीं क्लियरली ऐसा पूरा हाथ ऐसा घुमाना है एकदम क्लियर सिग्नल में कोई भी शर्म नहीं तो दूसरा बात आपके पास डाउन आया ऐसा नीचे तो आपका ये हो गया छोटा हुक और वायर डाउन उसके बाद आप बड़ा हुक चाहिए तो क्या करना है बड़ा हुक के लिए सर पे ऐसा सर ये सर है ये सर पे करके फिर वायर डाउन कर दीजिए बड़ा ठीक है ये वायर आप ठीक है ये क्या हो गया हरिया हो गया हम लोग वायर आप बोलते हैं ठीक है अगर मैं ऐसा था घुमाया तो नहीं इसका कोई मतलब ही नहीं है वो घुमा देगा ज्यादा कोई मतलब नहीं ये क्या कहीं मशीन में फिट है क्या ज्यादा घूम गया पास नहीं कभी भी ये सिग्नल आपका नॉर्मल है जैसा चलना चाहिए किरण का ऑलरेडी ऑपरेटर को रूल्स मालूम है कि मेरे को कितना स्पीड पर लिमिट पे चलना है अगर आपके उसके ऑपरेटर के पास 10 टन है तो कितना स्पीड में ऊपर लेगा ज़्यादा फास्ट आपके करने से वो ज़्यादा स्पीड नहीं लेगा क्यों किरण का कैपेसिटी बढ़ने के बाद वो क्लाउस हो सकता है जब वो जितने जितने झटके से ऊपर जाता है ना कैपेसिटी बढ़ता है उसका झटके की जर्किंग की वजह से लोड क्या होता है जर्किंग होता है तो कैपेसिटी बढ़ता है तो आपके फास्ट हार्ट घुमाने से फास्ट नहीं चलेगा चलेगा नहीं चलेगा वो हम लोग गलत वे में गया उसके बाद अभी मैं ये क्लियर बताया वायर अप या वायर डाउन ठीक है आइडिया उसके बाद हम लोग ये हाथ रख लिया ये क्या है कौन सा सिग्नल हाँ ये सीलो वाला ये नहीं है ये क्या गलत छिट रहे कहीं ये मजाक हम लोगों का साइड पे उठता है ये करो या इसको करो सीलो वायर डाउन सीलो वायर अप ठीक है ये वायर अप सीलो ये सीलो वायर डाउन परफेक्ट उसके बाद अभी ये वाला जो हम लोग किए चाहे ऐसा करो सब सेम काम होगा जो ऑपरेटर देख रहे हैं खाली आपको मन में लगे मैं जल्दी हिला दिया और कर दे रहा नहीं वो खाली मन का बात है ऑपरेटर के पास जो सिस्टम है वो सिस्टम से काम करे उसके बाद क्लियर हो गया ये उसके बाद स्विंग ऐसा होता है परफेक्ट स्विंग ये स्विंग उसके बाद ये स्विंग आपका है राइट और लेफ्ट का स्विंग हो गया आपका उसके बाद स्विंग तो सेम आप लोग देते हो है ना स्विंग चाहे ऐसा दो ये दोनों तरफ के लिए उसके बाद हम लोग रूम निकालते हैं रूम
निकालने का, ये घूम अंदर की अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, कौन सा डाउन घूमना सर, ये घूमना घूमना, ये आप ऐसा करो या ऐसा करो, सब सेम है, ठीक है, ये घूमता। अगर ये आप है घूमा, अभी दोनों करो, आए डाउन भी करो और ये भी करो, क्या है ये, कौन सा सीन है, ये कौन सा सिग्नल है, ये घूम डाउन वायर आप, कभी कभी घूम डाउन वायर आप मटेरियल ऐसी में एक ही कंडीशन में ऐसा अंदर चाहिए, तो क्या करेगा, घूम डाउन करेगा तो वायर नीचे हो जाएगा मटेरियल का, ऐसे करके इस तरह से नहीं, ये गलत तरीका होगा, वही चीज है, हाँ ऐसा करते हैं, मैं भी देखा गलत तरीका है, कभी भी हम लोग उसके लिए करते हैं बूम डाउन वायर अप, ये बूम डाउन वायर अप और ये बूम अप वायर डाउन, बूम अप वायर डाउन, बूम अप वायर डाउन, बूम डाउन वायर डाउन, ठीक है। ये आपको पूरा दुनिया में मिलेगा ये सीखना, लेकिन हम लोग यहाँ पे गलत यूज कर रहे हैं, ये वाला ऑपरेटर जल्दी नहीं समझ, नहीं समझेगा, समझना पड़ेगा, सिग्नल रीगर में जो प्रॉपर है वो देना पड़ेगा उसको, नहीं समझेगा समझाना है उसको, ये चीज आपको कहीं भी किरण के एक रूप में मिल जाएगा, कहीं भी आपको मिलेगा, प्रॉपर सिग्नल देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और क्या बच गया, स्टॉप सिग्नल, स्टॉप कैसा देते हो, स्टॉप कराना है कैसा दोगे, हाँ अगर हम लोग ऐसा वायर अप किया कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसके बाद इमरजेंसी सिग्नल, इमरजेंसी इमरजेंसी में नहीं, इमरजेंसी में नहीं, आप पूरा करना है, इमरजेंसी सिग्नल यही है, पूरा करना है बंद कर दो, या आप ऐसा कर सकते हो, ज्यादा ऐसा चलता है, ये हो गया मशीन बंद कर दो, सब अलग अलग इशारा, लेकिन परफेक्ट सिग्नल सीखना चाहिए, परफेक्ट सिग्नल से आप किधर भी आप उधर से कम्युनिकेट कर सकते हो। ये सिग्नल में क्या होता है, ऐसा करना ऐसा, ये कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ अलग कंट्री में कि इसका मतलब अलग है, कहीं वो कंट्री में हमने निकाल दिया तो लफड़ा कर लेगा, ये हमने क्यों देखा है, ठीक है। तो ये जितना सिग्नल स्टैंडर्ड में है ना, सब परफेक्ट स्टैंडर्ड में, ताकि आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को प्रॉपर मालूम पड़े कि हाँ इसका सिग्नल इस बुक से लिया गया है, तो वो रिलीजियस में झगड़ा भी नहीं होएगा, हाँ कोई को ऐसा करा मतलब दारू पीना पानी पीना ऐसा रहता है ना, या कोई गाने में देखोगे ऐसा ऐसा करता है, वो बीन बजाता है डांस करता है, तो लोग हमारे सिग्नल से हंसता है, अभी मैं बोलूँ वायर डाउन वायर आप ऐसा ऐसा करो तो कोई भी डरेगा या हंसेगा ना, उस दिन मैनेजमेंट भी वैसी हंसा, आज तक हंसता है, एक रीगर से सिग्नल पूछा गया वो कुछ ऐसा अजीब हाथ में हिलाया, पूरा मैनेजमेंट हंसा, क्यों, इस मैनेजमेंट सब पढ़ के आया हुआ है, सब एजुकेटेड है, आपके सिग्नल से हंसेगा, आपको प्रॉपर सिग्नल सीखना है, नेट में देख लो उधर प्रॉपर रहेगा, कहीं भी आप देख सकते हो। ये कौन सा सिग्नल है, ये भी रीगर का सिग्नल है, कौन सा सिग्नल, ये डॉग एवरीथिंग मतलब खाना खाने के लिए, ऑपरेटर का इशारा कर सकते हो कि आ जाओ नाश्ता के लिए, तो वो आवाज़ से थोड़ी बोले नाश्ता के लिए आ जाओ, सो ऐसा हम करेंगे, ये कंट्री में चलता है ना, ये रीगर के सिग्नल में भी ये है कम्युनिकेट, ये ठीक है। तो सिग्नल हम लोग प्रॉपर सब सीख लिया, आपने कुछ भूल गया क्या, क्या भूल गया, जानकारी थी, और किसी को कुछ पूछना है, सिग्नल दो किरण पे देना है,
तो कितने आदमी की लगेगा? सामने सामने अगर दिख रहा है एक ही आदमी कोई भी सिचुएशन में एक ही आदमी सिग्नल देगा, भले चार आदमी सिग्नल के लिए लगे, जगह नहीं मालूम है, वो आदमी इसको इशारा देगा, वो डायरेक्ट ऑपरेटर को नहीं दे सकता है चार आदमी, नहीं दे सकता है एक ही टाइम में वो। अगर अगर सिचुएशन ऐसा आए तो इसको सिग्नल ये देगा, वो उसको वो देगा, तब जाकर ऑपरेटर पे भी जा सकता है। लेकिन हम लोगों को अभी रेडियो इस्तेमाल करना है, ऐसा सिग्नल के टाइम है रेडियो का इस्तेमाल करना है। दूसरा हो गया इमरजेंसी सिग्नल, सब दे सकता है, ग्रुप में पांच आदमी है, सब दे सकता है इमरजेंसी सिग्नल, इमरजेंसी सब दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अभी ये सिग्नल मैन है, ये सिग्नल देने वाले आदमी, तो इमरजेंसी सिग्नल आप सब दे सकते हो? हाँ, बता सकते, सिग्नल आप लोग सब दे सकता है, इमरजेंसी सिग्नल बता नहीं सकता, दे सकता है। ऑपरेटर को रिस्पांस करना पड़ेगा, क्यों? इमरजेंसी मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल आप मेरे पास अभी सब देख रहे हो, अभी आपने कुछ देख रहा है, कुछ दीवार को देख रहा है, कुछ ब्लू लाइट को देख रहा है, सब डिफरेंट डिफरेंट देख रहा है, लेकिन सबका मुंह इधर है ना? तो चार आदमी है, चारों में से कौन पहले इमरजेंसी देख लिया? फायर, कहीं आग लग गया, आपने देख लिया, किरण के पीछे आग लग गया, दो आदमी नहीं देखा, तो आप सिग्नल दे सकते हो ना इमरजेंसी है? इमरजेंसी सिग्नल इसी के लिए है कि कुछ हो गया या सीलिंग कहीं टूट गया, ऑपरेटर को नहीं मालूम है, तो इमरजेंसी सिग्नल देगा तो वो आदमी अवेयरनेस हो सकता है, वहाँ से एरिया खाली कर सकता है। तो रिगर के लिए ये इमरजेंसी सिग्नल है, ये हर किसी को परमिशन है देने का आपके ग्रुप में, लेकिन जितना सिग्नल है वो जो सिग्नल मेन है या दो जो आदमी सिग्नल के लिए बनाया गया है, उसको रखा गया है, वही सिग्नल देगा, जो जितना सारा सिग्नल है। खाली इमरजेंसी में कोई भी दे सकता है, इमरजेंसी हर कोई देख सकता है क्या? सेफ्टी वाले इतना है साइड पर, कभी कभी आपने देखा होगा कोई सेफ्टी वाला हादसा देखा ही नहीं आपने अभी तक, देखा आपने वहाँ पर खाली देखा, आप कितने लोग तो छुपा भी दिया, सेफ्टी वाला 10 कदम दूर पे था, आपके बाजू में कुछ हादसा हुआ, हर से छुपा दिया, उसको नहीं मालूम पड़ा, मालूम पड़ा क्या ऐसा भी कुछ हादसा है? होता भी है। इमरजेंसी सिग्नल सबको परमिशन इसके लिए दिया गया है कि हर इंसान का देखने का नज़रिया अलग होता है, हर इंसान को देखने का टेक्निक अलग होता है, तरीका अलग होता है। आपने मेरे को भी वही चीज़ देख रहे हो इधर से सब, तो इधर पे कोई मेरे को देख रहा है, कोई अल्ट्राटेक का जैकेट देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई ब्लू लाइट देख रहा है, कोई रिमोट देख रहा है, उधर से सब आदमी अलग अलग देख रहे हैं ना, तो यही डिफरेंट है। तो इसके लिए हम लोग को सभी को ये सब करना चाहिए सेफ्टी, और साइड पर कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो उसको प्रॉपर रिपोर्ट करो, मिस कम्युनिकेशन मत करो अपने ग्रुप में, ज़्यादातर मिस कम्युनिकेशन करने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ा इंसिडेंट किसमें है? शॉर्टकट कंट्रेक्शन लाइन में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होने का चांस शॉर्टकट है, मतलब ये कोई एरिया है, ये वाला कोई एरिया है, अभी मैं ऐसा जाऊंगा तो 1 मिनट में पहुंचूंगा, और ऐसा घूम के जाऊंगा तो 20 मिनट लगेगा, तो आप 1 मिनट वाला रास्ता पसंद करोगे या 20 मिनट वाला? 20 मिनट। यही चीज़ प्लान में सोचना है, क्यों? ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है ना, इसमें कोई लकड़ी फेंक देता है धम से, देखो फेंकता क्रिएटर से, तो ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, शॉर्टकट कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करना कोई भी प्लांट में, घर में, कहीं भी। आपको जो समय लगता है ना जो भी काम में, उसका आनंद भी अच्छा है, मज़ा भी आता है उसमें, आपका जान भी सेफ है, तो शॉर्ट थिंग कभी भी नहीं रखना है, और मिस कम्युनिकेशन कभी नहीं रखना है रिगर के अंदर। मिस कम्युनिकेशन मतलब प्रॉपर आपको किसी को जानकारी नहीं देना, लिफ्टिंग टूल टैकल टूटा हुआ है, चुप हो जाना, बैठना नहीं, हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना है, जानकारी देना अपने ग्रुप में,
ठीक है, तो ये अटेंडेंस शीट है, फटाफट इस पर सेंड कर दो। ठीक है, और ये इमरजेंसी सिग्नल के बारे में पूछो। कुछ ऐसा हादसा होता है, इंसिडेंट होता है, उसके लिए क्या है? इंसिडेंट के लिए कोई ऐसा मटेरियल उठाया आपको लग रहा है,